ऐसी हैं जो कमर्शियल दुकानें हैं, उनका जो लंबा समय घर बकाया है वो अलर्ट हो जाए। नमस्कार, सत्यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नगर निगम प्रयागराज की बड़ी कार्रवाई, सिविल लाइंस में स्थित तुलसियानी प्लाजा के भीतर पीएसीएल हुआ सील। नगर निगम प्रयागराज द्वारा गृहकर बकायेदारों के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। गृहकर बकायेदारों के चल अचल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई शुरू की गई है, जिसके मद्देनजर सिविल लाइंस मोहल्ले में स्थित तुलसियानी प्लाजा, जिसमें दुल्हाघर जैसे शोरूम स्थित है, इसी प्लाजा में पीएसीएल कंपनी के पूरे भाग को नगर निगम द्वारा सील कर दिया गया है। नगर निगम का लगभग 40 लाख रुपए बकाया चल रहा था। इस वर्ष अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई नगर निगम की तरफ से मानी जा रही है। अब इस संपत्ति की नीलामी से गृहकर की भरपाई की जाएगी। लंबे अरसे से अचल संपत्ति को कुर्क नहीं किया जा रहा था, लेकिन इस बार नगर निगम एक्शन के मूड में है। कुर्की करने वाली टीम का नेतृत्व कर रहे नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई अन्य बकायेदारों पर भी की जाएगी जिन्होंने अपना टैक्स कई सालों से जमा नहीं किया है। इनके द्वारा नगर निगम की संपत्ति कर का पिछले 10 सालों से 15 सालों से भुगतान नहीं किया जा रहा है, उन सभी के विरुद्ध यह कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। आज पीएसीएल पर 39 लाख रुपए नगर निगम का बकाया है, उसके एवज में भुगतान न होने के कारण आज कुर्की की कार्रवाई, इनकी सीलिंग की कार्रवाई की गई है, इसको सीजर किया गया, सील किया गया है। ऐसे व्यक्ति जो लगातार नगर निगम की सुविधा ले रहे हैं और टैक्स जमा करने में टाल मटोल कर रहे हैं, ऐसे बकायेदारों से विभाग सख्ती से निपटेगा। अब यह कार्रवाई पूरे 5 महीने तक चलने वाली है। इस कार्रवाई में मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी के अलावा जोन 3 के कर अधीक्षक जया सिंह, जोन 3 के राजस्व निरीक्षक कमलेश पांडे, राजस्व निरीक्षक हर्षवर्धन कुशवाहा, राजस्व निरीक्षक आदिशक्ति मिश्रा, कर समाहर्ता अमिताभ बनर्जी, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की एनफोर्समेंट टीम मौजूद रही। सत्यात्रा ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज। धन्यवाद सर। ये आज कौन सी कार्रवाई हुई है? आज ये नगर निगम द्वारा कुर्की की नोटिस जारी की गई थी। कुर्की कार्रवाई, जो भी बड़े बकायेदार हैं नगर निगम की संपत्ति कर जमा नहीं किए हुए हैं, उन सभी लोगों को पहले डिमांड नोटिस दी गई थी और डिमांड नोटिस में 15 दिन की अवधि के उपरांत कुर्की की नोटिस जारी की गई। जिनके द्वारा नगर निगम की संपत्ति कर का पिछले 10 सालों से 15 सालों से भुगतान नहीं किया जा रहा है, उन सभी के विरुद्ध यह कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। आज पीएसीएल पर 39 लाख रुपए नगर निगम का बकाया है, उसके एवज में भुगतान न होने के कारण आज कुर्की की कार्रवाई, इनकी सीलिंग की कार्रवाई की गई है, इसको सीजर किया गया, सील किया गया है। इस बिल्डिंग पे जब भी इसके जो भी बकायेदार, जो भी विभागों का बकाया होगा, जब निष्पादन होगा तो इनको पहले नगर निगम का भुगतान करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये कोई और निर्णय ले सकता। ये कितने रुपए तक के बकायेदारों की कुर्की की जा रही है सर? मिनिमम एरिया पे डिपेंड करता है। हम ये देख रहे हैं टाइम ऑफ स्पैन, कितने पिछले 10 सालों से 15 सालों से टैक्स नहीं जमा किया है, उन लोगों को जो नादेहंदा टाइप के लोग हैं, जो गैर जिम्मेदार हैं, जो नगर निगम के सारी सुविधाओं को प्राप्त करने के बावजूद 10-10 साल तक नगर निगम की धनराशि को रोके पड़े हुए हैं, भुगतान नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के विरुद्ध इस तरह की कोएर्सिव कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और कानून के अनुसार उनका टैक्स जमा कराया जाएगा। धन्यवाद।